नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। सब लोग मिलके जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और आज की तमाम खुशखबरियों को ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले ये आंगनबाड़ी केंद्र 31 जुलाई तक बंद करने का आदेश जारी था, लेकिन अब कोविड संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को पुनः यानी दोबारा दिनांक 15 अगस्त तक बंद रखने के लिए आदेश जारी हो गया। तो अब आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाएंगे। स्वयं सहायता समूह या फिर नेफेड शहरी क्षेत्रों में इनके माध्यम से अनुपूरक पोषाहार की जो आपूर्ति है वो किए जाने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र खोल करके अनुपूरक पोषाहार को प्राप्त किया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभाग के लाभार्थी तक टेक होम राशन डोर टू डोर वितरण किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस अनुपालन के संबंध में 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्तर प्रदेश के बंद रखा जाए। तो भैया जब राशन पानी रिसीव होगा तभी ऐसी स्थितियों में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, वरना आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। निदेशालय से ऐसा आदेश जारी है, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी भेज दिया गया। अन्य स्थितियों में आंगनबाड़ी केंद्र न खोले जाए ऐसा भी यहां पर जिक्र है। तो अब आप देख सकते हो अनावश्यक रूप से अगर कहीं कोई भी अधिकारी या कोई भी सुपरवाइजर या सीडीपीओ परेशान करते हैं चेकिंग का बहाना देकर या अन्य चीजों का, तो आप लोग इसका जवाब इस लेटर के मुताबिक दे सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगली खबर पर आते हैं और आपको बताते हैं एक और खुशखबरी। ये आप देखिएगा यहां पर उत्तर प्रदेश में मैंने कल आपको दिखाया था कि मानदेय खातों में लग चुका है। ये 2 अगस्त को देखो बहन ने एक ने चेक किया था, शकुंतला बहन है शायद, इनका पैसा इनके खातों में देखिए अंडर प्रोसेसिंग में लग गया है। जैसे 4531 रुपया इनका अंडर प्रोसेसिंग में ये लगा है और 1000 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में ये लगा है और ये पैसा 2 अगस्त को इन्होंने चेक किया तो इनका लगा हुआ था। अब बात कर लेते हैं इनके अन्य पैसों की। जैसे यहां पर इनका 4531 रुपया जो आप देख सकते हो शायद 6-7 लिखा हुआ है 2021, इसमें देखो लिखा 6-7-2021, तो ये वाला इनका पैसा सक्सेस हो गया शायद पिछले महीने का, क्योंकि पिछले महीने का जो 4500 था वो इनका लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इनका बहुत पहले का है, लेकिन ये शायद 7वां महीना इसमें देख सकते हो जुलाई वाला, वो शायद इनका सक्सेस भी हो गया था। तो कुछ जिलों में पैसे जून महीने के सक्सेस भी हो गए थे, लेकिन काफी जगह लगे हैं तो परेशान मत होइए, बहुत से जिलों में भी लगे हैं, लेकिन ये जो जुलाई का आपके खातों में उत्तर प्रदेश में लग गया है, देखते हैं भाई ये जल्दी सक्सेस होता है कि या फिर ये भी उसी पैसे की तरह लटका रहता है। इससे भी कुछ चीजें जानकारी जो स्पष्ट हो जाएंगी। शकुंतला देवी बहन ने उन्नाव से जानकारी ये भेजी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सरकारी आदेश की, जो कि सरकारी आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार सरकार से जारी है, 3 अगस्त को निकला है, निदेशक महोदय ने निकाला है, शाखा प्रबंधक जो है एक्सिस बैंक के दानापुर पटना में, उनको ये जो है भेजा गया है और कहा गया कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं को डीबीटी के तहत वर्दी का मतलब पोशाक राशि, इसका भुगतान करने के संबंध में आदेश आया है। तो पोशाक राशि का पैसा बिहार में आंगनबाड़ी बहनों के खातों में भुगतान के लिए देखो यहां पर बोला जा रहा बैंक वालों से। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसमें कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021 में राज्यांश मद में यानी बिहार सरकार की तरफ से जो राज्य सरकार बिहार है वो 83,436 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 800 रुपए की दर से कुल यहां पर 6,67,48,800 रुपए जो है इतने का भुगतान किया जाना है। विदित है कि वर्दी यानी पोशाक राशि का भुगतान प्रति वर्ष 800 रुपए की दर से एक बार ही भुगतान किया जाता है, यानी साल में 800 रुपया पोशाक के लिए आता है। इस राशि का भुगतान वैसी सहायिकाओं को किया जाना है जिनका मानदेय डीबीटी योजना के तहत 2020-21 में भुगतान किया गया, इसकी सूची एनआईसी से प्राप्त करके भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि सीतामढ़ी सीवान जिले को छोड़कर के शेष 36 जिलों के 83,436 सहायिकाओं के वर्दी पोशाक की राशि 800 रुपए की दर से सीधे उनके मानदेय खाते में अविलंब भुगतान किया जाए, साथ ही वर्दी पोशाक की प्रविष्टि उनके बैंक पासबुक में भी किया जाए ताकि स्पष्ट हो जाए कि राशि वर्दी पोशाक की है। इस राशि का भुगतान उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। सहायिकाओं की सूची भी संलग्न करके भेजो। देखो ये बहुत ही सुनहरा और खुशखबरी भरा आदेश है। मैं इसलिए कह रहा हूं खुशखबरी भरा क्योंकि कभी भी
ये नहीं कहता है कोई भी अधिकारी या निदेशालय में कि जो भी पैसा जिस मद में डाला जा रहा है उसका भी स्पष्ट कर दिया जाए कि किस मद में डाला गया। अगर बैंक वाले पासबुक में इस बात का भी उसमें जिक्र कर देंगे टाइटल में कि जो है यहां पर ये पैसा साड़ी का है यानी पोशाक राशि का है, वर्दी का है, तो यहां पर ये क्लियर हो जाएगा। अन्य मद में भी जो भी पैसे बैंक से डाले जाते हैं, निदेशालय से डाले जाते हैं, उनमें ये लिखा होना जरूरी होना चाहिए कि जो हर जगह हर एक राज्य में होना चाहिए ये तरह कि ये क्लियर हो जाए कि ये पैसा कौन सा है, किस मद में डाला गया है, ताकि स्पष्ट होता रहे। अब आगे देख सकते हो एक और मैटर आया यहां पर, ये देखिएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो है नंबर ऑफ आंगनबाड़ी सहायिका पोशाक वर्दी के लिए, तो ये जो नंबर नंबर दिए हैं कौन जिले में कितने सहायिकाएं हैं और उनका रेट भी लिखा हुआ 800 रुपए के हिसाब से साड़ी, तो ये सहायिका बहनों के लिए साड़ी के लिए बोला जा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं एक और बड़ी समस्या। जैसा कि आपको पता है पोषण अभियान के तहत जो पोषण ट्रैकर लॉन्च हुआ था उसमें अपना अकाउंट लॉगिन करने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। मोबाइल नंबर जो आपका था जो पहले डाल करके आप खोलते थे वही नंबर डालिए, एमपिन में आपको क्या डालना है 5145, ये आपको एमपिन में भरना होता है 5145, ऐसे आप डालिएगा और आपका भी लॉगिन हो जाएगा। और अगर फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसको अपडेट करने की शायद जरूरत है, अपडेट कर दीजिएगा फिर नंबर और ये सब पिन डालिए, शायद लॉगिन हो जाएगा। हमारा ऐसे ही लॉगिन हुआ था, हमने उस पर जो लाभार्थियों की पोषाहार की फीडिंग भी की है यानी लाभार्थियों को जो पोषाहार बांटा गया है उसको भी उस पर दर्ज किया है पोषण ट्रैकर पर। आप लोग भी अगर करना चाहो तो अगली बार इसके लिए हम वीडियो बना सकते हैं, या अन्य कोई भी बहन जिनको दर्ज करना आता है वो दर्ज करें और वीडियो बना करके ऑल इंडिया को भेज सकती हैं मदद स्वरूप। क्योंकि आपको बता दें जो 3 डॉट दिखाई देते हैं हर एक लाभार्थी में जाकर के पोषाहार वितरण दिखाया जाता है, हर एक लाभार्थी में जब आप जाएंगी उसमें 3 डॉट दिखाई देते हैं, वहां से आप जो है खोलेंगी जानकारी एंटर करें या ऐसे कुछ लिख करके आता है तो उसमें आप जाएंगी तो THR के उसमें ऑप्शन खुल जाते हैं। अब आगे दोस्तों चलते हैं, उनको लेकर के कोई ना कोई अगर वीडियो भेजेगा तो वो लगा दिया जाएगा, वरना जब हम फिर से फीडिंग करेंगे पोषाहार की अगली बार तो उसका वीडियो बना करके आपको दिखा देंगे। अब बात करते हैं बिहार सरकार से। बिहार सरकार से एक और आदेश आया था 2 जुलाई को, और यहां पर क्या बोला गया जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी सब जो है यहां पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, जिसमें कहा गया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो जुलाई महीने का पोषाहार है उसको टोकन की प्रणाली के तहत जो है उसकी जो तिथि थी उसको विस्तारित कर दिया गया। अब उसको जो है 6 अगस्त तक सभी भाई बहन बिहार में पोषाहार को अपना बांट सकते हैं। अब इसकी तिथि 6 अगस्त कर दी गई है, जुलाई का जिन्होंने नहीं बांटा उसको जल्द से जल्द बांट दें, इसके बारे में यह तिथि बढ़ाई गई थी। अब एक और सरकारी आदेश निकला था 2 अगस्त को बिहार में निदेशक महोदय ने निकाला था, शायद यह भी आपको दिखाया जा चुका है। जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो थे उनका सत्यापन भी हो गया था, उसके बावजूद भी जो है उनका मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। और ये वो सहायिका और सेविका बहनें हैं बिहार की जो जिनका भी नई बहाली हुआ था, नई सेविका सहायिका मिनी बहनें थी, उनकी नई नई नौकरी लगी साल 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले, लेकिन उनका मानदेय तब से नहीं आ रहा था, इस वजह से मानदेय के जो है वो नहीं आ रहे और सत्यापन भी हो गए फिर भी मानदेय नहीं जा रहा, तो ये दिक्कत वाली बात है। खाता में पैसा बताया जा रहा लगा भी है लेकिन सक्सेस वो भी नहीं हो रहा, तो इन समस्याओं को लेकर के थोड़ा जिम्मेदारियां विभाग को सरकार को निभानी चाहिए। अब देख सकते हो एक और मैटर, आधार कार्ड की फील्डिंग के बाद सीतापुर रायबरेली में पकड़ा गया खेल, ये भी एक उत्तर प्रदेश का मामला है। यहां पर 41,000 बच्चे 2 से 4 स्कूलों में ही दोस्तों पढ़ते हुए नजर आए हैं, यानी एक बच्चा 2-2, 3-3, 4-4 स्कूलों में पढ़ रहा है आधार कार्ड से, ये बात स्पष्ट हो पाई है, ये खुलासा हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अब आपको एक बात और बता दें, पिछले वाले जो सरकारी आदेश थे बिहार के उनमें से रविराज भाई ने भेजे हैं, कुछ और हमारे भाई उन लोगों ने भी भेजे हैं, बहुत सारे इकट्ठा आदेश आ गए थे जिस वजह से उनको काउंट करना मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में निदेशालय से 30 जुलाई को एक और आदेश निकला था जिसमें उत्तर प्रदेश में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा मनाने के लिए बोला गया था, जो कि 2 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और आपको पता है 15 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। अब सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में क्या करना है, कैसे करना है, इसका वीडियो हम लाने वाले थे लेकिन ला नहीं पाए, कारण यह रहा कि टाइम नहीं मिल पाया, अन्य काम थे हमारे पास। आज हम कोशिश करेंगे उसी सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े को लेकर के विस्तृत जानकारी की। अब बात करते हैं बिहार सरकार से जारी एक और सरकारी आदेश जो 31 जुलाई को निकला है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सीवान के निकाला, और इसमें देख सकते हो पौष्टिक लड्डू और सत्तू लड्डू, दो तरह के लड्डू उत्तर प्रदेश में बिहार राज्य में चलते हैं, पौष्टिक लड्डू और सत्तू लड्डू कैसे बनते हैं वो चैनल पर पहले बताया जा चुके हैं, उन्हीं की
गुणवत्ता जांच के संबंध में आदेश ये निकाला गया है। इसमें बोला गया है कि गुणवत्ता की जांच बाल विकास परियोजना अधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर इनके द्वारा किया जाना है। और यहां पर महिला पर्यवेक्षिका को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 4 अगस्त दिन बुधवार यानी आज का दिन अपने प्रखंड सेक्टर के अंतर्गत 5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक लड्डू सत्तू लड्डू गुणवत्ता की जांच करेंगी, फोटो प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराएंगी। और ये जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सिवान के हैं, उन्होंने अपने वहां पर निकाला है। तो आप देख लीजिएगा कि सिवान जिले में आज ये होने वाला है, वहां पर सुपरवाइजर और सीडीपीओ पौष्टिक लड्डू सत्तू लड्डू की गुणवत्ता की आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर के जांच करेंगी, जो आंगनबाड़ी बहनें वहां पर बना करके वितरित कर रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यहां पर इस वाले मैटर को शायद भेजा था रिक्की कुमारी बहन है सिवान जिले से। इनके अलावा एक ये मैटर आया है जीतेश शर्मा भाई अलीगढ़ से। परामर्श के मुख्य बिंदु है, विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है उसी के संबंध में ये थीम आ रही निकल निकल करके। एक ये भी थीम हमारे पास उन्होंने ही पहुंचाई है। इनके अलावा एक ये थीम है जो अमृता सिंह बहन है कासगंज से, उन्होंने कल भेजी हुई थी। और इनके अलावा आपको बता दें ये है जो पुष्पा रानी बहन है वाराणसी से, उन्होंने अपने हाथों से ये बनाया हुआ जिसमें आप देख सकते हो मां के दूध में ममता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, ऐसे करके तमाम चीजें उन्होंने लिखी हुई है, 4 इसमें भी नजर आ रही है। इनके अलावा एक ये भी उन्होंने बनाया हुआ है पुष्पा रानी बहन जो कि वाराणसी से है। अब बात करते हैं एक और, ये फोटो आई है सुनीता देवी बहन सोनभद्र से, वैक्सीनेशन का काम यहां चल रहा है। इनके अलावा ये गीता देवी बहन आजमगढ़ से, इनके वहां पोषाहार का वितरण हो रहा है। इनके अलावा ये अभिलाषा शर्मा बहन गौतम बुद्ध नगर से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। आज दोस्तों सुबह का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र 15 अगस्त तक बंद रहेंगे, हो सकता है जैसे जैसे 15 अगस्त आए फिर से आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए जाएं। रही बात मानदेय की, तो मानदेय भी उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने का यानी पिछले महीने का वो भी खातों में लग गया, लेकिन हाँ जून का भी क्लियर नहीं हुआ है तो दुख की बात है। लेकिन अब देखते हैं जुलाई का जल्दी सक्सेस हो जाता है या वो भी जो है लटका रहता है। जो भी होगा जैसा होगा फिर देखा जाएगा।